टू द न्यू व्लॉग। मेरी शक्ल बहुत कबाड़ वाली लग रही होगी इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया और ऑफिस से आने के बाद मुझे पता चला कि ऑगी की तबीयत ख़राब है काफ़ी ज़्यादा एज इन कि उसके स्टूल में से कुछ ब्लड ड्रॉपलेट्स निकली हैं, बस एक या दो निकली हैं, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आते मान इसको बस फिर लेके गया डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको प्रमोशंस भी हो रहे थे डॉक्टर का, इस वजह से हो सकता है। तो डॉक्टर ने मेरे को एक ये दवा दी है, एंजाइम्स दिए हैं ये। मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड हुआ ना ये बात सुन करके कि ठीक हो जाएगा, दवा से कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसका वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं हुआ है तो डॉक्टर ने कहा अभी वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, जब ये ठीक हो जाएगा प्रॉपरली तब वैक्सीनेशन करेंगे। ओके बस ठीक है, मैं पहले अभी से दवा देने जा रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा नहाऊँगा धोऊँगा। मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, भूख लग रही है इतनी तेज़, लेकिन बच्चे को लेके गया कि भाई डॉक्टर के पास पहले, वरना डॉक्टर उठ जाता तो दिक्कत हो जाती। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो वो कैमरा लेके जाऊँगा, उनको शूट भी करूँगा। बहुत अच्छा था सेटअप उनका और मेरे को काफ़ी जेन्युइन लगे वो और अच्छा रहा सब कुछ। बस ऑगी ठीक हो जाए यार, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों ऑगी ठीक हो जाएगा बच्चा मेरा बोलू, मेरा बच्चा क्या होगा, मेरे बच्चे को परेशान है बेबू। कोई नहीं ठीक हो जाएगा, बस तेरे को दवाई देता हूँ। हाँ बड़ी मुश्किलों में इसको ये दवा इसमें से पिलाई है। एक्चुअली मेरे को भी आदत नहीं है यार, मतलब पता भी नहीं है कि कैसे पिलाते हैं, डॉगी का मुंह कैसे खोलते हैं दवा पिलाने के लिए। बेचारा तड़प रहा था, मुंह ही नहीं खोल पा रहा था, मतलब खोलना ही नहीं चाह रहा था। डॉक्टर ने बोला तो था कि दवा का टेस्ट कड़वा होगा, कोई बात नहीं कर ले बेटू, शुशु करनी है कर ले, कोई दिक्कत नहीं यार, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा। चल लेट जा, सो जा। चल मैं ये सब क्लियर करता हूँ और देखता हूँ यार, अभी तो नहाया भी नहीं है, बस नहाता हूँ अब इसके बाद। The next day. बेटू मेरा गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है बेटू की अभी? तबीयत ठीक है बेटू, सो जा, पानी पीना है तो पी ले वरना आराम कर। यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हूँ मेरा गोलू। अच्छा ऐसे रब कर दूँ? चल ऐसे रब कर देता हूँ, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है आपको ऐसे रब करने में? ऑलमोस्ट इसको आए हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है घर में, लेकिन इससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। शिशु आया, आ जाओ बाहर आओ, शिशु कर लो, आ जाओ। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपने हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि हर तरफ से अल्टीमेटम मिल रहे थे हेयर कट कराने के, मम्मी शिल्पी हर कोई। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जाते हैं। आज नाश्ते में बन रहा है क्या, ये कौन सी दाल है? ये हरी मूंग दाल के चिल्ले बन रहे हैं। हाँ, शानदार हेल्दी ब्रेकफास्ट भैया, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ऑगी की तबीयत तो काफ़ी अच्छी है, खेल रहा है, देखो मेरे साथ खेल रहा है ये। इसको वैसे करवाना पसंद है कि इसके बेली पे कोई रब करे, है ना ऑगी? दांत निकालता है, मेरे को दांत निकालता है, शैतानी करता है। मैं नहीं पी रहा। सीरियसली कैसे पीती हो तुम ये? नहीं आफ्टर टेस्ट तो अच्छा है इसका, मेरा वाला चॉकलेट फ्लेवर है। चीज ऑगी तुम यहीं बैठोगे? बैठे रहो, सो आराम से। Later. मैं हेयर कट कराने गया था लेकिन अभी नहीं कराई है कटिंग, क्योंकि उसके शॉप पे संडे की वजह से भीड़ थी, एक दो लोग तो थे बट स्टिल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देखते हैं अब कल या परसों, या हो सकता है अभी शाम को निकलें, हो सकता है अभी दोपहर में निकलेंगे मार्केट, तब देख लेंगे। देखो अब शिल्पी को देखो, डरने लगता है इसके साथ, शिल्पी उठा लेती है इसको। ऑगी बेटू चलो आ जाओ, जाओ देख करो। वो फंसा है, जान निकल रही है इसकी, जा नहीं पा रहा। आ जा इधर, पीछे आ जा भाई, ऑगी चल आ जा पीछे पीछे। दवा पिएगा अब, इसको दवा दे दूँगा, चलो ऑगी मेडिसिन टाइम। मार्केट जा रहे हैं, तेरे को दूध दे जाएंगे और आराम से रहना घर में, ठीक है? 2 घंटे की बात है। पानी वानी का भी बता दो, पानी वानी भी सब रखा है यार। इसके 2 डोंगे कब आएंगे? आ जाएंगे। बता दो वहाँ रखा है। पानी है की बात है, इसमें दूध रख जाएंगे, एक बार में नहीं पीना है, ठीक है? राक्षस नहीं है तो कुत्ता है, बोलियो मत। ठीक है ऑगी, हम लोग बस मार्केट जाएंगे, आपको गुड बॉय की तरह रहना है, ओके? चलो पानी पूनी पी लो, रेस्ट करो, आप आ जाएंगे 2 घंटे में, आ जाएंगे ओके बेटू।
तो गाइस हम लोग मार्केट से वापस लौट आए हैं। देखो अब शिल्पी और ऑगी कैसे खेल रहे हैं। ये ऑगी का नया गेम है, मॉप के साथ खेलता है ऑगी। देखो कैसे राइड करता है ये एक पैर मॉप पे रख के दूसरे पैर से ऐसे राइड करता है, शिल्पी इसको दौड़ाती है। ये लोग डेली ये खेल खेलते हैं, मुझे इस बारे में आज पता चला है। ये ऑगी ये नयाब खेल है। ऑगी इज एंजॉयिंग अ लॉट इन दिस गेम। है ऑगी मजा आ रही है। ये देखो भागा 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 ये जगह का अच्छा फायदा उठा रहे तुम लोग हैं। ये बाप रे बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। गिव अ क्विक अपडेट हियर, मेरा GoPro फिर से स्टार्ट हो गया है, इट्स वर्किंग नाउ। मैं जहाँ पे अपना फ़ोन लेके जाता हूँ बनवाने के लिए, मैंने उन भैया के पास अपना ये कैमरा दिया, उनको बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये आप देखो। और ये भी बताया कि भैया कंपनी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब जैसे तैसे करना है, जो भी करना है आपने करना है। तो उन्होंने क्या किया, बैटरी को खोद खोद के पूरी बैटरी को पूरा एकदम डिसअपियर करवा दिया बैटरी को, और उसके बाद वो कंपार्टमेंट खाली हो गया, थोड़ी सी उसकी सफाई करी और फिर नया बैटरी लगाया तो ये ऑन हो गया। भैया हज़ारों रुपए बच गए मेरे, हज़ारों रुपए बच गए। लेकिन सीरियसली यार GoPro वालों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे, जबकि मेरे पास GoPro सब्सक्रिप्शन भी है, मैं पर मंथ उसके लिए पे भी करता हूँ, और उसका क्लॉज ये है कि आपका कैमरा रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, उनका कहना था कि इंडिया और सिंगापुर में ये रिप्लेसमेंट वारंटी कवर नहीं होती है। खैर जो भी है मेरा काम बना और मैं तत्काल आज ही GoPro प्लस का सब्सक्रिप्शन डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे जब यूज़ नहीं हुआ तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा क्यों दूँ, क्लाउड के लिए पैसा दूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका क्लाउड, मेरे पास है क्लाउड स्टोरेज। और तो ठीक है गाइस, खुशी के नोट पे ये व्लॉग एंड करते हैं। कल रात ही एंड करना चाह रहा था मैं ये व्लॉग, जो टाइम लैप्स लगाया उसके बाद ही, लेकिन नहीं एंड कर पाया। ऑगी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, शिल्पी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, तो व्लॉग एंड नहीं हो पाया। कभी कभी होता है कि आपको फैमिली को टाइम देना पड़ जाता है, आप नहीं फ्री हो पाते हो, जाने दो ये बात, अच्छी बात है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो गाइस विद दैट सेड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो।